हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके मैथ मस्त। मैं जितेंद्र, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मैथ का ऐसा ट्रिक जो कि आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन दिया है, 5 का क्यूब प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 90। इसका क्या निकालना है? पहले तो क्यूब रूट निकालना है, फिर उसका क्यूब रूट करके क्यूब निकालना है इसका। तो ये आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे निकालेंगे 5 का क्यूब 125, फिर 16 का 256, फिर आपका 19 का 19, इसको ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे 9 6 15 5 20 का 0, हाथ में 2 2 2 कैरी हो गया, 5 2 7 1 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4। तो इसका हम लोग क्यूब निकालें, क्यूब निकालेंगे तो 4 4 16 64 64 का ये इतना निकल जाएगा, इतना हम लोग को निकल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आपको इतना निकल गया। तो ये गलत है, क्या है ये गलत है, नहीं निकले इस तरह निकालेंगे आपका तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा ऐसा। तो ये सही निकालने का विधि क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा जरूर, नहीं तो आपको ये नहीं आ सकता, ये आप गलत भी बना के आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको या नंबर एक कट सकता है। तो आप पूरा इस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो मैं इसको असली तरह यानी ओरिजिनल मैं इसको सही ढंग से बताता हूँ। तो ये चलिए इसको कैसे बताते हैं, ये जेके मस्त मस्ती नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो ही गया है तो चलिए इसको बताता हूँ मैं। तो 5 का क्यूब क्या हो जाता है, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा। फिर 125 होने के बाद तो 125 हो जाएगा, फिर 16 का 256 स्क्वायर हो जाता है, फिर 19 का 19, इसको ऐड कर देंगे तो जैसे होया वैसे 400 हो गया। फिर 400 का क्या करना है, इसमें 400 का घनमूल निकालना है, घनमूल मीन्स क्या, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्या करेंगे हम लोग, क्यूब रूट निकाला इसका तो इसका क्यूब रूट हो जाता है आपका क्या हो जाता है, तो 20 हो जाता है। आपको याद रख, 20 हो जाता है, तो 20 का क्यूब निकालेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 का क्यूब आपका 8000 हो जाएगा आंसर है। इजीली आपको याद रखना है तो 20 का क्यूब आपको 8000 हो जाएगा आंसर।